माय चैनल, दिस इज मीनाक्षी। होप यू आर डूइंग गुड गाइस। आज मैं दो लिप ग्लॉस का रिव्यू करने वाली हूँ। ये लिप ग्लॉस है कफ्स एंड लैसेस के लिप ग्लॉस, तो मैंने इसके दो शेड्स लिए हैं, तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ। लिप ग्लॉस का नाम है कफ्स एंड लैसेस ग्लॉसी लिप लैकर। तो गाइस, आपको इस तरीके के पैकेजिंग में आपको ये लिप ग्लॉस मिलेगा। पैकेजिंग बहुत अच्छा पैकेजिंग है, स्टडी पैकेजिंग है। आपको एक सी थ्रू भी मिलेगा जहां से आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। मैंने कफ्स एंड लैसेस से आई शेडो ब्रशेस लिया था, तो उसपे सेल चल रहा था, तो इसी टाइम पे कफ्स एंड लैसेस के लिप ग्लॉस भी लॉन्च हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए इसके लिप ग्लॉस भी ले लेते हैं। और कफ्स एंड लैसेस की ओनर निधि कटियार है, और मुझे निधि कटियार पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत जेन्युइन लगती हैं। और उनके कफ्स एंड लैसेस के प्रोडक्ट पहले उनके साइट में मिलता था, आजकल आपको मिंत्रा में मिल जाएगा, पर्पल में मिल जाएगा, अमेजोन में भी शायद मिलता ही है, और फ्लिपकार्ट में भी मिलता है। तो मैंने सोचा अभी ले ही रही हूँ, तो मैंने इनके लिप ग्लॉस भी ले लिए हैं। तो चलिए गाइज, अभी लिप ग्लॉस का बात करते हैं। सबसे पहला लिप ग्लॉस है 07, और चलिए इसे खोल के देखते हैं। आपको इस तरीके की एक पैकेजिंग में मिल जा रहा है, बहुत अच्छा पैकेजिंग है, आपको सब सी थ्रू है, आप देख सकते हैं। इसका एप्लीकेटर एक डोप एप्लीकेटर है, जो आप हर मैट लिपस्टिक्स में देख सकते हैं। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ न्यू पैकेजिंग है। इसके बहुत सारे शेड्स आते हैं गाइस, कुछ 7 to 8 शेड्स हैं। सिर्फ मैंने इसके दो ही शेड्स लिए हैं, क्योंकि मैं काफी टाइम से लिप ग्लॉस लगाना ही छोड़ दी हूँ, क्योंकि पहले लिप ग्लॉस बहुत चलता था, अभी फिर से ट्रेंड में आने लग गया है। तो मैंने सोचा चलो कफ्स एंड लैसेस से ही शुरू करते हैं, क्योंकि ये काफी अफोर्डेबल रेंज में मुझे मिल गया था। ये एक लिप लैकर है। लिप लैकर और लिप ग्लॉस में थोड़ा डिफरेंस होता है। बेसिकली वो लिप ग्लॉस ही है, बट लैकर क्या होता है, उतना ज्यादा शाइनी नहीं होता है। जैसे आपको चिपचिप लगता था पहले, लिप ग्लॉसेस क्या होते थे, बहुत स्टिकी लगता था, और थोड़ा सा ज्यादा ही उभर के दिखता था। ये भी आपको दिखेगा, बट उतना नहीं और चिपचिप नहीं लगेगा, और स्किन में इजीली ब्लेंड हो जा रहा है, इस तरीके से आपको लगेगा। अब 3 इयर्स के अंदर इसे यूज कर सकते हैं, बहुत टाइम है, इससे पहले ही ये शायद खत्म हो जाए। इसके दो शेड्स हैं, तो मैं आपको पहले हैंड में स्वॉच करके दिखा रही हूँ, और फिर मैं आपको अपने लिप्स में भी स्वॉच करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहला शेड मैं यूज करूंगी 02 एज नो बार। ये शेड है गाइस, गाइस ये शेड मेरे लिप्स में इतना सूट नहीं किया, ये मेरे स्किन में वॉश ऑफ हो जा रहा था। बट गाइस, जब मैंने इसके साथ मैंने ये लिप ग्लॉस को लगाया, ये अच्छा दिख रहा था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ये लिप ग्लॉस अकेले नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरे स्किन में बहुत वॉश ऑफ हो जा रहा था, तो मैंने ये लिप ग्लॉस लगाया। दिस इज द सेकेंड शेड, दिस इज 07 जस्ट लाइक मैजिक। इसका नाम बहुत अच्छा है, और ये मैजिक की तरह काम करता है। ये आपको लिक्विड की तरह दिखेगा, इसका कोई कलर नहीं है, बट लिप्स पे लगाते हैं या आप यहाँ लगाते हैं, ये बॉडी के वॉर्म से कलर चेंज हो जाता है। गाइस, कलर चेंज हो जाता है मतलब कुछ और कलर नहीं होगा, ये पिंक कलर टर्न हो जाता है, जो कि एक नेचुरल कलर है। किसी को अगर नेचुरल लिपस्टिक पसंद है, जैसे एवरीडे गो के लिए अगर किसी को लिपस्टिक लगाना अच्छा नहीं लगता है, बट एक थोड़ा सा एक लिप में थोड़ा सा एक पिंक कलर चाहिए, तो ये लगा सकते हैं। देखिए गाइस, जैसे ये बॉडी के वॉर्म में आता है, तो ये कलर चेंज हो जाता है। मुझे ये शेड ज्यादा अच्छा लगा, शेड है 07 जस्ट लाइक मैजिक। किसी को अगर न्यूड शेड चाहिए, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ये जो लिप ग्लॉस है, इसमें बहुत पिगमेंटेड है, और ये बहुत नरिश भी करता है। इसके आपको 7 शेड्स मिल जाएंगे कफ्स एंड लैसेस के साइट पे। ये है शेड 02, ये एक टिंटेड लिप ग्लॉस है, और ये हर किसी को सूट करेगा। अगर किसी को ज्यादा लिपस्टिक लगाने के लिए अच्छा नहीं लगता है, तो ये बहुत अच्छा लिप ग्लॉस है गाइस। एक शाइनी इफेक्ट भी देगा, लाइट कलर ग्लॉस अच्छा लगता है, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। उसे छोड़ के आपको बहुत सारे लिप ग्लॉस मिलेंगे, जो कि डार्क शेड के भी है, तो गाइस आप उसे चेक कर सकते हैं। मुझे इतना लिप ग्लॉस उतना पसंद नहीं है, बट मुझे ये लिप ग्लॉसेस अच्छा लगा। ये जो शेड है, यही शेड है जो मैंने लगाया है।
ये जो शेड है ये बेसिकली फेयर स्किन को सूट करेगा, डस्की स्किन के ऊपर इतना नहीं जाएगा। मुझे भी पर्सनली ये शेड इतना अच्छा नहीं लगा। अगर किसी को न्यूड शेड अच्छा लगता है तो आप ये लिप ग्लॉस ले सकते हैं। गाइस अभी आप देख रहे हैं मैंने जो शेड लगाया है ये दोनों मिक्स करके लगाया है, तो बेसिकली मुझे ऐसा लगाना ही अच्छा लगता है क्योंकि एक जो शेड है जस्ट लाइक मैजिक थोड़ा सा नेचुरल लगता है, तो मुझे थोड़ा लिपस्टिक इफेक्ट चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ क्योंकि ये मेरे स्किन में बिल्कुल वॉश ऑफ हो जाता है, मेरा स्किन थोड़ा सा डल लगता है ये लगाते ही, तो मैं क्या करती हूँ कि इसे और इसे मिक्स करके मैं जब लगाती हूँ तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। चलिए गाइस अभी इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। प्रोज की बात ये है कि बहुत अफोर्डेबल रेंज में आपको ये लिप ग्लॉस मिल जाएगा, आपके लिप्स को एक पिगमेंटेशन भी देगा और एक नरिशमेंट भी देगा। और अगर किसी को बहुत लिपस्टिक लगाना अच्छा नहीं लगता तो ये बहुत अच्छा है गाइस, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं एक लाइट शाइनी इफेक्ट देने के लिए। अगर कॉन्स की बात करें गाइस तो ये जैसे ही आप कुछ खाते हैं तो ये पूरा ही हट जाता है, थोड़ा सा टिंट जैसे रह जाएगा, जैसे आप लिप ग्लॉस यूज़ करते हैं इस तरीके के, बस लिप ग्लॉस में ये लिप ग्लॉस में कलर इफेक्ट भी है। इसके दो शेड्स ही मैंने लिए क्योंकि मुझे चेक करना था, तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। आपको इनके पर्सनल साइट में मिल जाएगा, आप कप्स एंड लैसेस के साइट से आप परचेस कर सकते हैं। इसे छोड़ के आप मिंत्रा में, पर्पल में और अमेजोन में भी आप परचेस कर सकते हैं। गाइस ये था मेरा रिव्यू कप्स एंड लैसेस के लिप ग्लॉस के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। That's it guys, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।